जैसे ही विषयों के संसार में निकलोगे, लूटने वाले इंतजार कर रहे हैं। अपनी वासनाओं से, तृष्णाओं से, ऐष्णाओं से, दुष्प्रवृत्तियों और दुस्संगति से तुम्हारे इस कीमती भक्ति के मणि, जिसके कारण तुम और तुम्हारे परिवार आनंद में जियोगे, उसके छीनने वाले भी इंतजार में घात लगा के बैठे हैं, जैसे यहां चैनी स्नेचर बैठे हुए थे, जैसे तुम्हारे गले में लगे हुए चेन को काट लिया उन लोगों ने। वो लुटेरे पग पग पर बैठे, वो तो फिर भी कोलार का सोना लूट ले गए हैं। वो सोना जाए तो जाए, कोई बात नहीं है, पर ये चैन का सोना जिंदगी से न चला जाए, ये बरकरार रहे और ये सत्संग और भक्ति से रहे, ये सोना बरकरार रहे, बचा रहे। नहीं, लोग पागल हो जा रहे हैं, सोए बिना नींद की गोली ले लेके मर रहे हैं। चैन की नींद जिसको कहते हैं, भैया हम तो आराम से चैन की नींद सोते हैं। सोते हो तुम लोग, ढाई तीन तो तुम्हारे उसी पे बच जाता है, टप 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 टप, ढाई तीन चार, सारा बैंक उसी में है, कोई खर्चा ही नहीं महाराज, गुलाब का फूल भी उसी में है। अरे सही में खरीद के लाओ, देना है तो दो कौड़ी का उसी में दबाए जा रहे हैं, कट 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 कट, सब झूठे, फेक फेक रिलेशन, रिलेशनशिप, रिलेशन ही ठीक नहीं है तो शिप क्या बचेगी, डूबेगी, शिप में छेद है तो तुम्हारी रिलेशन की शिप डूबेगी। और रिलेशनशिप का अर्थ केवल लड़के लड़की नहीं होते माई बाप, रिलेशन का अर्थ संबंध होता है, और संबंध तो पहला, फिर कह रहा हूं, क्या इंस्ट्रक्शन है भैया, गले की समस्या और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कारण हे पूज्य गुरुदेव थोड़ा सुदामा का प्रसंग करके बस विश्राम दिया। वाह, सुदामा ही नहीं कहेंगे, बाकी सब कहेंगे महाराज ले। पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोय, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, हीरी देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोय। यही तो है सुदामा का प्रसंग महाराज, उनकी अयाचक वृत्ति पे प्रसन्न होकर। अरे महाराज वहां सुदामा पे ले गए अचानक, बताओ हमारो रासलीला छुड़वा दोगे क्या? भगवान की रासलीला, पर रासलीला सुनने के योग्य तुम्हारा मानस तो बने, जीवन भर डांडिया पीटने वाले लोगों तुम रासलीला सुनोगे?
डंडे पीटते हो उसी को रासलीला समझते हो, और आरटीआई डालो तो पता चलेगा कि तुम्हारे रास्ते वहां डांडिया में क्या होता है, वो तो आरटीआई डालने में पता चलेगा। तो कहां गए तुम्हारे रासलीला के संस्कार? फैक्ट तो कुछ और कह रहे हैं, दिखाई कुछ और पड़ रहा है। इसलिए रासलीला सुनने की मानस बननी चाहिए, और शायद ये मानस रासलीला केवल गोपी करने नहीं आई थी, भगवान शंकर भी आए गोपेश्वर नाथ बनके। लोगों को भ्रम है कि सिर्फ गोपियां मतलब लड़कियां थी, गोपी लिंग नहीं है, गोपायती श्री कृष्ण प्रेम इति गोप। जिस किसी ने अपने हृदय में कृष्ण प्रेम को गोपन कर लिया, तिजोरी में बंद कर लिया, ये यही तिजोरी में जो मांग के रखे हैं ना राम जी से सत्संग वाला, इसीलिए भगवान शंकर को रास में स्थान मिल गया, क्योंकि इनके पास पक्की तिजोरी है गोपन करने का। सारी दुनिया में भगवान शंकर के अनंत रूप हैं, हमारे वृंदावन में आओगे तो संध्या को लहंगा फरिया चूड़ी नथनी पहन के बैठे रहते हैं गोपी बनके, गोपेश्वर नाथ। सारी दुनिया में तुर्रेदार मूछ है उनकी, पर हमारे वृंदावन में बढ़िया नथिया पहन के बैठे हैं गोपी बनके, नाम ही उनका गोपेश्वर नाथ। ब्रज की लीला में तो भगवान शंकर भी गोपी बन गए, तो ये धारणा तो खत्म हो गई कि केवल नारी आई है पुरुष नहीं है, तुम्हारी धारणा पे पानी पड़ गई। कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में गोपन करके छुपा कर रखने वाले लोगों के लिए परमात्मा का आमंत्रण मिलने का, जीव और शिव का, ऋतु कौन सी चुनी गई? बोला शरद ऋतु। समस्त ऋतुओं में प्रौढ़ होती है, गंभीर ऋतु होती है शरद, तो रासलीला प्रौढ़ों का विषय है, ये गली मोहल्ले का विषय नहीं है, बड़ी प्रौढ़ ऋतु चुनी गई। चंद्रमा भी कौन है? बोला ये चंद्रमा नहीं है, ये कलंकित चंद्रमा। कौन सा चंद्रमा है? बोला ठाकुर जी के हृदय से निकला हुआ और किशोरी जी के वक्षस्थल से लगा हुआ रंगीना चांद है ये, कोई भी प्राकृतिक चीज नहीं है इस महारास में। 6 महीने तक हुई थी ये रास, वो रात्रि ही 6 महीने की थी, इसलिए वो प्राकृतिक नहीं है, बनावटी नहीं है, कृत्रिम नहीं है, वो अप्राकृतिक है। इसलिए सुखदेव जी ने रासलीला के प्रथम में ही लोगों को सावधान कर दिया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपास्यता। भैया ये लीला करने के लिए साक्षात भगवान आ रहे हैं, नंद का बेटा नहीं है, वसुदेव का बेटा नहीं है, भगवान पिता रात्रि, ताकि बैठे हुए लोगों का दिमाग खुल जाए कि दुनिया के मालिक जगदीश, काम को जिन्होंने पटक पटक के मारा, भगवान शंकर और काम में युद्ध हुआ तो भगवान शंकर ने काम को जला दिया, और भगवान कृष्ण से काम लड़ने को आया तो भगवान ने उल्टा पेड़ पे टांग दिया,